हेलो। आज की वीडियो आई गेस मेरे चैनल की सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है, जस्ट लाइक एनी अदर कैरेक्टर एनालिसिस वीडियोस। एंड इस बार बली का बकरा बना है डोफ्लामिंगो। तुमने बहुत बार सुना होगा फैंस से कि डोफ्लामिंगो इज़ द बेस्ट एंटैगनिस्ट इन वन पीस, लेकिन ऐसा क्यों है ये बहुत कम ही बताते हैं। बट डोंट यू वरी, वही बताने आया है मैं आज। डोफ्लामिंगो के कैरेक्टर को एकदम तरीके से हम समझेंगे एंड में ओनली वाले भी ये वीडियो देख सकते हैं। लेट्स बिगिन। डोंकी होते डोफ्लामिंगो इज़ अ ट्रिपल एक्स, एन एक्स वालॉर्ड, द एक्स किंग ऑफ ड्रेसरोसा एंड एन एक्स सेलेस्टियल ड्रैगन। द गाय वॉज अ स्पॉइल्ड ब्रैट फ्रॉम द वेरी अर्ली एज। अयाश था बचपन में, सेलेस्टियल ड्रैगन्स वाला बुखार था इसे भी। बट अनलाइक अदर सेलेस्टियल ड्रैगन्स ही हैड अ विल ऑफ किंग। चलो थोड़ा डीपली समझा जाए डॉफी के कैरेक्टर को। जैसे मैंने बोला कि बचपन में डॉफी अयाश था। He was arrogant, violent, sadist. He had power. Basically वो हवा में उड़ता था just like other celestial dragons. He had a god complex. बढ़िया थी उसकी ज़िंदगी, बट बाद में उसके साथ हरकतें चालू होनी तब शुरू हुई जब उसके सॉफ्टी माँ बाप मरीजोआ छोड़ के आ गए सिविलियंस के साथ रहने। उसके बाद जो जो हुआ यू ऑल नो इट ऑलरेडी। सिविलियंस ने उसको और उसके फैमिली को हरास किया एंड देयर ही यूज्ड हिज कॉन्करर्स हाकी फॉर द फर्स्ट टाइम। द डोफ्लामिंगो वी सॉ इन ड्रेसरोसा, लूफी जिससे लड़ा था, मतलब 41 वाला डॉफी, उसमें भी गॉड कॉम्प्लेक्स था। ही वॉज वेरी प्राउड अबाउट द फैक्ट कि वो एक रॉयल ब्लड है, ऑल्दो दैट टाइम ही ऑल्सो हैड अ ग्रज अगेंस्ट देम, अगेंस्ट सेलेस्टियल ड्रैगन्स, बट ही स्टिल प्राउड ऑफ हिज रॉयल ब्लड। डॉफी ने एक लाइन बका था लूफी से लड़ते टाइम, curse your bloodlines then. You people were born as lowly trash, destined to be controlled. You humans and I are completely different. This line tells us कि वो खुद को normal human नहीं समझता था बल्कि superior समझता था. But this Doffy was different than his child version. जो change Doffy में आया compared to his past self वो ये है कि इस बारी उसमें सिर्फ god complex नहीं बल्कि साथ में king complex भी था. This is one of the major character development Doflamingo got. लेट्स टॉक अबाउट इस किंग कॉम्प्लेक्स, क्योंकि गॉड कॉम्प्लेक्स के बारे में तो सबको ऑलरेडी पता ही है, इतना सेलेस्टियल ड्रैगन्स जो देख रखा है हमने। डोफ्लामिंगो का किंग कॉम्प्लेक्स एक्चुअली में उसके गॉड कॉम्प्लेक्स से काफ़ी हद तक सिमिलर है, बट डिफरेंट भी है इन अ वे। डॉफी पहले अपने आप को सिर्फ गॉड मानता था एक, ही थॉट ही इज़ बेटर देन लोली ह्यूमन्स। लोली मतलब LOWLY वाला, ठीक है, नॉट वो लोली, ठीक है, वो बच्ची नहीं, पागलो। एनीवेज द पॉइंट इज कि वो खुद को नॉर्मल ह्यूमन से, जो कि उसके लिए नॉर्मल थे, उनसे बेटर मानता था। लेकिन बाद में जब वो खुद उन लोली ह्यूमन्स के सोसाइटी का पार्ट बना, ही स्टार्टेड हैविंग अ किंग कॉम्प्लेक्स। ही स्टार्टेड थिंकिंग कि उसको इन लोली ह्यूमन्स पर रूल करना है, उसको राजा वाली ज़िंदगी की चाह होने लगी। एंड इस चीज़ में ट्रेबो दल्ले का बहुत बड़ा रोल था। वही बचपन से डॉफी को तू किंग है करते करते उसके दिमाग में इससे रिलेटेड एक कॉम्प्लेक्स डाल दिया। एक और जो कॉम्प्लेक्स लोग समझते हैं कि डोफ्लामिंगो में है वो है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। दिस इज़ ट्रू, बट डॉफी सिर्फ लोली ह्यूमन्स के तरफ ही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखता है। टॉप टीयर्स के सामने ही नोज उसकी औकात क्या है। औकात या लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ। अच्छा, थिंक ऑफ 30 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स इन वन पीस। यू नो वॉट, 40 सोच लो भाई, लो सोचो, लिस्ट बना लो एंड देखना कि उसमें डॉफी कहाँ रैंक करता है। क्या नहीं रैंक करता क्या? वेल दैट्स द थिंग। इवन आफ्टर हैविंग विल ऑफ अ किंग, फिजिकल स्ट्रेंथ में डॉफी हक देता है। डॉफी इज स्ट्रॉन्ग बट ही इज़ नथिंग इन कंपैरिजन टू द टॉप टीयर्स लाइक योंकोस। योंकोस के कमांडर से पिट जाएगा वो, जैक पीट के चले जाएगा उसको, एंड ही इज़ टोटली अवेयर ऑफ इट। यू रिमेंबर आओकीजी वाला सीन? आओकीजी कैसा कैरेक्टर है सबको पता ही है, उसको कितना भी गलिया दो कुछ नहीं करने वाला अनलेस तुम उसको फिजिकली हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। डॉफी चाहता तो वो अपना मन शांत करने के लिए आओकीजी को औकात मेरा ऐसा वैसा बोल सकता था जैसे बाकी सेलेस्टियल ड्रैगन्स करते हैं, बट वो वैसा नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? दो रीजंस। पहला कि आओकीजी उससे स्ट्रॉन्ग था और दूसरा कि वो आओकीजी को एक लोली ह्यूमन नहीं समझता था। बट इट्स डिफरेंट देन रिस्पेक्ट। ही डजंट रिस्पेक्ट दी वन स्ट्रॉन्गर देन हिम, बट ही जस्ट नोज हिज फकिंग प्लेस। बट इवन दो डॉफी वीक था, इवन दो वो किसी भी योंको कमांडर से पिट जाता, उसकी औकात इतनी थी कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट की फाड़ के रखा था। ये क्यों था? बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी, जिसके बारे में अब और डिटेल में बात करते हैं। डोफ्लामिंगो का पर्सनैलिटी, वेल लेट मी रिपीट इट अगेन। ही वॉज एरोगेंट, ही हैड पावर, सेडिस्ट था वो, इन्फ्लुएंस था उसके पास, ही हैड गॉड कॉम्प्लेक्स, किंग कॉम्प्लेक्स, एंड ही न्यू हाउ टू सर्वाइव इन द रियल वर्ल्ड अनलाइक एनी सेलेस्टियल ड्रैगन्स। न्यू वर्ल्ड जहाँ पे सिर्फ स्ट्रॉन्ग सर्वाइव कर सकते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट एक्चुअली, वहाँ पे डॉफी जैसा वीक कैसे सर्वाइव कर रहा था? वेल एक मिनट, आई एम नॉट पोर्ट्रेइंग ठीक है कि वो बहुत वीक था, नहीं, ही वॉज स्ट्रॉन्ग बट ही वॉज नॉट इन पार्स विद टॉप टीयर्स, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो हाउ वॉज ही सर्वाइविंग इन न्यू वर्ल्ड? बिकॉज ऑफ हिज वे ऑफ सर्वाइवल, एंड इस वे ऑफ सर्वाइवल के पीछे का सबसे बड़ा रीजन था उसका पर्सनैलिटी एंड उसका रिजॉल्व। अगर तुम मुझसे पूछो कि विच वन पीस कैरेक्टर हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिजॉल्व, विदाउट हेजिटेशन आईड से इट्स डोफ्लामिंगो। तुम लूफी के फाइट्स देखने जाओ ठीक है, जितने भी एंटेगनिस्ट से लूफी ने लड़ा है और उनको हराया है, लूफी ने सबका रिजॉल्व तोड़ा है एक्सेप्ट टू, एक है क्रोकोडाइल एंड दूसरा है डोफ्लामिंगो। इवन लूफी जिसका रिजॉल्व इतना स्ट्रॉन्ग है, उसका तक रिजॉल्व टूटा है स्टोरी में वाइल फेसिंग किजारू एंड आफ्टर एस डेथ, बट डॉफी लौंडा जेल में हंस रहा था पागल जैसा। थिंक अबाउट इट फॉर अ मिनट, वो पूरे ड्रेसरोजा आर्क में लूफी और लॉ को मॉक कर रहा था और उनको खुद से नीचे समझ रहा था, ही वॉज ट्रीटिंग देम एज लोली ह्यूमन्स, येट वो उन्हीं लोली ह्यूमन से हार गया। एंड बेशर्मी देखो, उससे उसका ईगो हर्ट हुआ ही नहीं, एक नॉर्मल सेलेस्टियल ड्रैगन मर जाएगा इसके बारे में सोच सोच के। डॉफी में किंग एंड गॉड कॉम्प्लेक्स होने के बाद भी ही हैड सो स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व कि वो हिला ही नहीं बाय हिज डिफीट, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व डॉफी कैन गो टू एनी मेजर्स, अपने काम को करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। एंड दिस वॉज द मेन रीज़न कि क्यों वर्ल्ड गवर्नमेंट उसका कुछ उखाड़ नहीं पा रही थी, उनको पता था कि ये अंडरग्राउंड माल सप्लाई करता है और ये काइडो का पार्टनर है, फिर भी दे वरंट एबल टू डू एनी थिंग। डॉफी के रिजॉल्व एंड पर्सनैलिटी की वजह से ही नो वन हैड कंट्रोल ऑन हिम, नॉट इवन काइडो। मैनी पीपल कंसिडर डोफ्लामिंगो द बेस्ट एंटेगनिस्ट इन वन पीस बिकॉज ऑफ दिस थिंग, लेकिन आई एम नॉट द सेम, मुझे इन रीजन्स की वजह से डोफ्लामिंगो बेस्ट नहीं लगता है। These points make Doflamingo one of the best antagonists, but the main reason why I think Doflamingo is the best antagonist in One Piece, that is, he has no fucking weakness. Weakness. One thing every antagonist in One Piece has. ऊपर से देखो तो Doflamingo का भी एक बहुत बड़ा weakness है, that is उसकी family, crew वाली. He cares for his crew a lot actually, but does he love his crew? डॉफी का ये जो सो कॉल्ड वीकनेस है ना, इससे हमें ये पता चलता है कि डॉफी कितना बड़ा लायर एंड मैनिपुलेटिव बिच है। कैसे, मैं बताता है। डोफ्लामिंगो केयर्स फॉर हिज क्रू अ लॉट, बट द मोमेंट दे बिट्रे हिम ही किल्स देम इंस्टेंटली विदाउट एनी हेजिटेशन। ये इसलिए है क्योंकि ही हैज़ अ ट्रॉमा, बचपन में ही फेल्ट बिट्रेड बाय हिज फादर, हिज एक्चुअल फैमिली, बिकॉज ऑफ हिज फादर हिज मदर डाइड एंड ही वॉज फोर्स्ड टू लिव विद लोली ह्यूमन्स, इसलिए बिट्रेल इज समथिंग दैट ही कैन नॉट टॉलरेट। द केयर ही शोज फॉर हिज क्रू इट टेल्स अस कि उसको चिंता तो है अपने क्रू का, लेकिन उनसे प्यार नहीं, तभी तो वो इतनी ईजिली जान से मारने का डिसीजन बना पा रहा है, राइट? द पॉइंट इज कि ही कैन गेट रिड ऑफ हिज वीकनेस एनी टाइम ही वॉन्ट्स। शॉर्ट टेम्पर भी है डॉफी का वीकनेस, छोटे छोटे टाइम के लिए उसका भी ईगो हर्ट होता है, लेकिन रिजॉल्व ऐसा है कि वो उस ईगो को हावी नहीं होने देता खुद पे, विच इज़ वाई आई से दिस कि डोफ्लामिंगो इज़ दी ओनली वन पीस एंटेगनिस्ट विथ जीरो वीकनेस। देन यू माइट आस्क दैट वाई डज ही इवन केयर फॉर हिज क्रू, बिकॉज ही नीड्स देम। Doflamingo is the type of guy who loves to manipulate people, and he loves the power a god and a king has, the power of manipulation. He manipulated the entire Dressrosa, the entire world government, even Kaido. Manipulation is one another reason why he was the main smuggler in New World, and for manipulation he needs people जो उसके लिए पूरी तरीके से loyal रहे, and to maintain their loyalty he takes care of them. इट्स गिव एंड टेक। बहुत लोग जो एक चीज़ अच्छा पॉइंट आउट करते हैं ना डोफ्लामिंगो के बारे में कि ही केयर्स फॉर हिज क्रू वाली फैमिली, लमाओ वो भी उसके ख़राब इंटेंशंस की वजह से ही है, विच टेल्स अस वन बिग फैक्ट, दैट इज़ डोफ्लामिंगो इज़ प्योर इविल, ही इज़ प्योर ब्लैक, नॉट ग्रे बट ब्लैक। इवन बिग मॉम एंड ब्लैकबीर्ड ग्रे कैरेक्टर्स है बट नॉट डॉफी, जिसका ट्रॉमा है ना उसको भी इसके अगेंस्ट यूज़ नहीं किया जा सकता, ही इज़ फकिंग इन्विंसिबल। एंड क्या फियर इसके अगेंस्ट काम आती है? You see, Doflamingo is scared of some things, all right. जैसे कि he is scared of loneliness in my opinion. उसको manipulate करने के लिए और ये सुनने के लिए कि वो king है, कोई ना कोई चाहिए ही, narcissist है भड़वा। And this was the big reason why he wanted to avoid fighting Kaido, क्योंकि Kaido उसको तोड़ने के बदले उसके resolve को तोड़ने में ध्यान देता, उसके crew ब्रू को मार देता and वो फिर अकेला हो जाता, just like what he did to Moria. But I don't think even fear is enough to break his resolve. वो मरते हुए भी हंसेगा, इतना हरामखोर है। डोफ्लामिंगो इज़ प्राइडफुल, बट सर्वाइव करने के लिए ही कैन गेट रिड ऑफ दैट प्राइड टू। सर्वाइव करने के लिए आई एम श्योर ये अपनी फैमिली को भी मार देगा, अपनी क्रू वाली फैमिली। दैट्स जस्ट हु ही इज़। दिस इज द मेन रीजन वाई आई थिंक डोफ्लामिंगो इज़ द बेस्ट एंटेगनिस्ट इन वन पीस। ही इज़ लिटरली इन पास विद कैरेक्टर्स लाइक ग्रिफिथ, नॉट बेटर बट क्लोज, क्योंकि वो दल्ला तो और ब्लैक है। एंड दैट्स इट, विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक द वीडियो। और भी कैरेक्टर एनालिसिस बना रखा है मैंने बिग मॉम, सांजी, काइडो पे, उन्हें भी देख लेना, दे आर माई बेस्ट वीडियोस, ऑल राइट। ओ हाँ, काइडो वाली वीडियो में कुछ लोग कमेंट किए थे कि काइडो हरामखोर था और तू उससे अच्छा बता रहा है। देखो ऐसा नहीं है, काइडो, डोफ्लामिंगो एंड मेनी एंटेगनिस्ट्स आउट देयर They are evil, they are bad, but what I'm calling good is not their actions or their deeds, but their character writing. Kaido, Doflamingo, Big Mom, Sanji and many characters, call them whatever you want to, but these characters are best when it comes to writing. I hope you understood what I'm trying to say. That's it. अब next video में आपसे मिलेगी, तो bye bye.